हेलो सर, हाय, कैसे गुड हैं? गुड आफ्टरनून सर। तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है स्टार फूड इन इंडिया करके है सर। अच्छा सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम ऐसे आजाद पड़ेगा, सब लोग आजाद के नाम से ही जानते हैं। अच्छा और हमारे क्षेत्र में जितने लोग हैं, जितने ठेकेदार हैं या ऑलरेडी जितने भी ठेकेदार हैं, सारे लोग हमारा नाम आजाद से ही जानते हैं। आजाद, आजाद भैया आपको कहते हैं। जी और सर, आप जिस साथ में देख रहा हूँ काम, आप पेंट के ठेकेदार हैं सर। ये जी काम करते हुए कितने साल आपको हो चुका है? अभी तो हमारा यहाँ जुजारनगर क्षेत्र में हमारा जितना भी कमसार एरिया है, इसमें 10 साल हमारा लगभग हो चुका है। यानी कि ठेकेदारी करते हुए, काम करते हुए जी 10 साल का आपका अनुभव है। जी 10 साल का एक्सपीरियंस है हमारा। और मैं 7 साल ऊना में भी रहा हूँ, हिंजोवी पुणे हड़पसर और बागोली वहां पे रहा हूँ, चाकर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र में 7 साल से जो कि बेस्ट कंट्री का अवार्ड हर साल उसको मिलता है। मैं अच्छा, वहां से क्वालिफिकेशन हमारा है, मैं वहां से सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा यानी कि सर सर आपने बाहर जाके अपना काम का अनुभव लिया, वहां से एक्सपीरियंस लिया, तब जाके अपने क्षेत्र में आके 10 साल का अपने अनुभव, धीरे धीरे 10 साल का अनुभव आपने, और जिससे कि आपका नाम काफी है दिलदारनगर में, भदौरा क्षेत्र में। जी। और सब कुछ ऐसा कोई चीज हो सर, मार्केट में कंपटीशन तो है ही है सर, उसे से आप कैसे हैंडल करते हैं और कैसे कस्टमर को आप फंसे करते हैं? देखिए सर, दो किस्म के कस्टमर हमारे पास आते हैं और मैं उनसे मिलता हूँ। जैसे में कि एक कस्टमर ऐसे होते हैं कि सर हमारा बजट कम है, तो बजट कम है सर, तो हमको इतना काम अभी फिलहाल कराना है और इतना काम बाद में। तो हमारे हमारे मतलब ये है कि जितना भी आपके पास बजट है, उस बजट के हिसाब से आप काम कीजिए। जैसे अभी प्राइमर और पुट्टी करा लीजिए, अनिवार्य है प्राइमर पुट्टी और प्राइमर करा लेना। जैसे बजट नहीं है कि हम अभी पेंट करा सके, तो अच्छा अच्छा प्राइमर और पुट्टी करा के हम 1 साल 2 साल का टाइम ले सकते हैं। यानी सर, पुट्टी प्राइमर करके हम काफी कुछ दिन तक छोड़ सकते हैं, कुछ छोड़ सालों तक जी छोड़ जी सकते जी हैं। बिल्कुल 2 साल, लगभग 2 साल तक छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद जब आपके पास बजट हो जाए तो हाई क्वालिटी का पेंट आप लगा सकते हैं। ओके सर, ये बजट के हिसाब से होते हैं। जैसा मैं आपको साइट देख रहा हूँ, ये आपके साइट है सर। जी बिल्कुल, ये आपके के अंदर काम करते हैं सब। जी, ये हमारे घर के बच्चे हैं। अच्छा, सर एक साइट साइट तो अपना एरिया के हिसाब से होता है, कितना दिन लगता है, कितना समय लगता है? देखिए, समय का तो कोई हिसाब होता नहीं, जैसा काम होता है वैसा ही हिसाब बैठता है। जैसे कि लेबर पेमेंट पे भी काम हो जाता है और फिर ठेका भी हम ले लेते हैं। अगर किसी को लगता है कि मैं स्क्वायर फीट का काम कर रहा हूँ, तो उसका स्क्वायर फीट भी काम करा सकते हैं। सर, अरे एक बात और है कि आप बहुत बड़े ठेकेदार हैं, तो आपके अंदर काफी सदस्य होते होंगे, जिसे बोलते हैं आपके अंदर काम करने वाले होंगे, जिनका जी आप जी जी रोजगार आप बिल्कुल देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास लोग आते और जाते रहते हैं। मतलब अभी तक आप कितने, मतलब अभी कि हमारे पास कम से कम 14 बच्चे लोग काम कर रहे हैं अभी। अभी हाल फिलहाल में 14 लोगों को आपने रोजगार दिया, जी बोला जाए जी तो? बिल्कुल, केवल आप केवल पेंट पुट्टी पुट्टी का का ही ही काम काम करते करते हैं। हैं या इसके अलावा यूपी का टाइल्स का भी काम पकड़ते हैं साइट पर? देखिए सर, हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा कस्टमर है, अगर उनको हमारे ऊपर विश्वास है तो मैं कस्टमर का थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि टाइल्स का मिस्त्री चाहिए, तो हमारे पास परफेक्ट टाइल्स के मिस्त्री काम करने वाले हैं, तो मैं टाइल्स वाले मिस्त्री से भी मालिक को मिला देता हूँ। जैसे वायरिंग का भी परफेक्ट मिस्त्री हमारे पास है, वायरिंग का मिस्त्री भी मैं दे देता हूँ। पीओपी फॉर सेलिंग डाउन सेलिंग का भी मिस्त्री हमारे पास परमानेंट है, उनको भी मैं मालिक से मिला देता हूँ। और प्लम्बर का जितना काम है, तो प्लम्बर की भी मिस्त्री हमारे पास है। मतलब ऑलरेडी आपको मैं एक बिल्डिंग खड़ा करके और पूरा उसका प्रोसेस पूरा करके, मैं आपको हैंडल करके पूरा बिल्डिंग का काम ओके करके मैं आपको चाबी दे सकता हूँ। इतना यानी सर मालिक आपसे जुड़ गया तो जी आप उनका घर बना के पूरा फाइनल करके दे सकते पूरा हैं। फाइनल। अच्छा लगा सर कि आप कई कंपनी का पेंट यूज करते हैं, तो इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सारी कंपनियां बेस्ट है और सारी कंपनियों का अलग अलग बेस होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो भी कस्टमर यहाँ भी हो, जिस क्षेत्र के कस्टमर हो, अगर वो
चाहते हैं कि हमारे घर का पेंट जी, तो हमें उनसे रिक्वेस्ट ये है करना कि किसी भी एक कंपनी का सारा मटेरियल यूज करें, यानी सर नेवले यूज करें, उसका नेवले का पुट्टी भी हो, प्राइमर भी हो, पेंट भी हो, बिल्कुल और एशियन यूज करें तो डिक्टो ऐसा ही होना चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। एशियन का अगर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो टोटल प्रोडक्ट एशियन का ही यूज करें, जैसे कि प्राइमर एशियन का, पुट्टी एशियन का और पेंट भी एशियन का ही लगाएं। और क्योंकि बेस हर कंपनी का अलग अलग अपना अपना बेस होता है, अपना अपना बेस होता है, अपना अपना क्वालिटी होती है, स्टाइलिंग होती है। एक जैसा पेंट यूज करने से, एक प्रोडक्ट का सारा पेंट यूज करने से लास्टिंग ज्यादा लास्टिंग करता है, साइनिंग और बढ़ जाती है, लाइफ भी उसी बढ़ जाती है। और सर एक क्वेश्चन और है, ये अलग अलग यूज करें तो क्या होगा? अलग अलग ये यूज करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम बर्जर का लगा दिए पुट्टी, एशियन का लगा दिए प्राइमर, तो हर कंपनी का अलग अलग अपना अपना बेस होता है, तो बर्जर का अलग बेस हो गया और एशियन का अलग बेस हो गया, तो वो बर्जर का पुट्टी, एशियन का प्राइमर, या एशियन का पुट्टी, बर्जर का प्राइमर, या जैसे मैं आप समझ लीजिए कि बिरला का प्राइमर लगा दिए, तो नहीं ऐसा नहीं करना है, करना है एक ही क्वालिटी का पेंट लगाना है, पुट्टी लगाना है। जैसे मान के चलिए कि हमको एशियन का मिल रहा है पुट्टी 57, हमको HD पेंट मारना है, HD अगर हमको पेंट मारना है तो हाई क्वालिटी का पुट्टी लगाइए और हाई क्वालिटी का ही पेंट लगाइए और प्राइमर लगाइए। जैसे जैसे अदर कंपनियां हैं, जैसे 100 रुपया, 200-500 रुपया कम करके हर मटेरियल में कम करके बेचती है। जी जी बिल्कुल। जैसे बिरला है तो बिरला का प्राइमर का रेट कुछ और है, जी सर, एशियन का प्राइमर का रेट कुछ और है, तो ये बेस की बात है, जी, ये बेस पे काम होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारे जो कस्टमर होते हैं, जो हमसे काम कराते हैं ऑलरेडी, तो लाइफ टाइम के लिए वो लोग काम कराते हैं, क्योंकि सस्ता तो कोई भी सामान होता नहीं है, नहीं कोई भी महंगा महंगा सामान होता है, महंगा सामान तो कोई भी अपना घर बनाता सोचता है, 10,000-12,000 की बाल्टियां लगाते हैं लोग, तो वो लगाते हैं 12,000 की बाल्टी लगाते हैं, लेकिन 600-700-800-900 रुपए की पुट्टी लगाते हैं और क्वालिटी खोजते हैं कि हमको 12,000 की बाल्टी में क्वालिटी क्यों नहीं आया, साइनिंग क्यों नहीं आया। तो सर हमारा रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लगाते हाई क्वालिटी का HD पेंट तो हाई क्वालिटी का पुट्टी भी लगाइए और हाई क्वालिटी का प्राइमर भी लगाइए। बात करके थैंक यू।